हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट अकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट अकेडमी में। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ। कोई सी में प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, चैनल को कर दिया करो सब्सक्राइब अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है, आपको एक फंक्शन ये दिया गया है और आपका मैपिंग दी गई है रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक है। और आपके फंक्शन जो एफ एक्स दिया गया है वो 3-4x है। अब हम बात करते हैं, हमें इसमें प्रूव करना है कि 1-1 और ऑन 2 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल है। 1-1 के लिए चेक करते हैं, 4-1-1 हमें तरीका पता ही है। 1-1 के लिए हम क्या ज्यूम कर लेते हैं, दो एलिमेंट्स x1 x2 जो बिलोंग करते हैं R में, ठीक है। तो यहाँ पर x1 x2 तो बिलोंग करते हैं R में, कोई इशू नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इशू कि fx1 इक्वल्स टू fx2 है, हमने मान लिया है दो एलिमेंट्स हैं जो इस वाले R में हैं, कोडोमेन में, और वो दोनों इक्वल हैं। फिर हम उनकी वैल्यू पुट करते हैं, 3-4x1 3-4x2। यहाँ पर इसको ये कैंसिल कर दीजिए, x1 की वैल्यू x2 के इक्वल हो जाएगी। और जब कभी भी x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आती है तो वो वाला फंक्शन 1-1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑन 2 के लिए, 4-2। ऑन 2 के लिए हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं R बिलोंग टू R, फिर हम एज्यूम करते हैं लेट y बिलोंग्स टू R, कोई y एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो इस R में बिलोंग करता है। और हम क्या करते हैं, पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू हम y पुट कर देते हैं, और यहाँ पर y इक्वल टू आ जाता है आपके पास 3-4x। तो जब आप इसको इधर ले आओगे तो आ जाएगा 3-y/4। अब यहाँ पर आप कोई भी y की वैल्यू पुट कीजिए। ऑन टू के लिए y की वैल्यू क्या हो सकती है, रियल नंबर हो सकती है। अब वो रियल नंबर तो हो सकती है, हमारे पास x की वैल्यू भी रियल नंबर आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर दो y की, तो आपके पास x की वैल्यू रियल नंबर ही आने वाली है। तो हम कह सकते हैं फॉर एवरी y belongs to R, जो सारी हर एक वैल्यू y जो R में बिलोंग करती है, देयर इज x जो बिलोंग करता है R को, तो ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। अभी हमारे पास सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन के लिए, तो सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ये फंक्शन दिया गया है R टू R मैपिंग है यहाँ पर, और फंक्शन एफ एक्स है आपके पास 1+x2, और ये 1+x2 है। तो ऑन टू के लिए चेक करते हैं, 1-1 के लिए चेक करते हैं, 1-1 के लिए, तो 1-1 के लिए आप चेक कर सकते हो सिंपल ऐसे ही, ऐसे मैंने पहले बताया था आपको, लेट कर लीजिए fx1 इक्वल्स टू fx2, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1+x1² 1+x2² तो ये x1² इक्वल्स टू x2² आ जाएगी। और x1 की वैल्यू +-x2 हो सकती है, यहाँ पर +-x2 है क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होनी चाहिए x1 = x2, तो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये 1-1 नहीं होगा। 1-1 के लिए आपके पास वैल्यू x1 = x2 होनी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए बात करते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है मैपिंग, फिर आपको एक वैल्यू पुट एज्यूम करनी है जो बिलोंग करती है इस वाले बी में, आर में, बी हमने ए टू बी माना तो ये बी यहाँ पर आर है, और पुट कर देते हैं एफ एक्स की वैल्यू वाई, सिंपल। तो वाई इक्वल्स टू 1+x² और x² की वैल्यू y-1, एक्स की वैल्यू √y-1। अब यहाँ पर आप कोई भी वाई की वैल्यू रियल नंबर पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू रियल नंबर ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आर की वैल्यू, जब हम पुट करते हैं -1 से 0 पुट करते हैं या -1 पुट करते हैं, तो आपके वैल्यू नेगेटिव का स्क्वायर रूट आने वाली है, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या होती है, इमेजनरी। और आपके पास x की वैल्यू रियल नंबर्स हैं, यहाँ पर ये इमेजनरी नहीं होती है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो कि ऑन टू नहीं होने वाला है। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है A क्रॉस B, आपको पता है क्या होता है, हमारे पास एक सेट है A और एक सेट है B,
हमने उसका एक कार्टेशियन बी निकाला है, ठीक है। तो आप एक कार्टेशियन बी कुछ भी हो सकता है उसका समझ लीजिए, और दूसरा जो सेट है उसकी मैपिंग की गई है बी कार्टेशियन ए से, ठीक है। और हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, एक कार्टेशियन बी, आप समझ सकते हैं, मैं आपको एक मिनट इसको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई एक सेट ए है आपके पास और उसके अंदर एलिमेंट वन क्रो वन इंटू वन टू है और दूसरा सेट है 3,4, तो आप इसका एक कार्टेशियन बी निकाल सकते हो ना, क्या हो जाएगा 1,2, 1,4, 2,3, 2,4, ऐसे ही इसके लिए बी क्रॉस ए हो जाएगा आपके पास। आप इसको क्या लिख सकते हो 3,1, 3,2, 4,1 और 4,2, ये आपके पास ये इसके प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर एक बात बताओ, सबसे पहले हमारे पास अगर सिंगल एक सेट होता है तो एलिमेंट एक सिंगल एक वैल्यू होती है, लेकिन जब ए क्रॉस बी को हमने एक सिंगल एक सेट लिया है तो इसका एलिमेंट कुछ इस तरीके से होने वाला है 1,b, ठीक है, समझ गए ना आप। यहाँ पर भी इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 2,a, यहाँ पर 1,2 है तो यहाँ पर इसका उल्टा होने वाला है, समझ रहे हो ना आप बात। सॉरी, यहाँ पर ये 1,3 है तो यहाँ पर इसके लिए अपोजिट 2,a होने वाला है, ये 1,b है तो यहाँ पर 2,2, इस तरीके से आपके पास वैल्यू होने वाली है एज्यूम। तो यहाँ पर आप ये सिंपल बात आपको समझ में आ गई होगी एग्जांपल से। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमने एक रोस भी आपको समझ में आ गया ना, एक सेट है यहाँ पर भी, एक सेट का जो उल्टा है, और यहाँ पर एक कोमा बी मतलब उसकी कोई एक वैल्यू है और ये यहाँ पर उसका इनवर्स बताया गया है। तो आप ये मान लिया है आपने यहाँ पर ये क्या है, एक क्रॉस बी, एक ए इंटू बी और यहाँ पर भी बी क्रॉस ए, तो इसका एलिमेंट यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया है यहाँ पर 1,b होगा यहाँ पर जो गिवन है, और इसके लिए क्या है 2,a होने वाला है, मैंने अभी आपको बताया ना, इसके लिए अगर यहाँ पर 1,b है तो यहाँ पर 2,a जरूर होगा। हमने मान लिया है दो एलिमेंट्स हैं दो पेयर्स हैं यहाँ पर A1B1 और A2B2 जो बिलोंग करते हैं ए कार्टेशियन बी में, ठीक है। तो आपने क्या मानना फंक्शन से, जब आप फॉर्म वन के लिए चेक करते हो fx1 इक्वल टू fx2 कर देते ना, x1 यहाँ पर क्या है A1B1, इसको आप x1 एज्यूम समझ लो, इसको x2 मान लो, ये x1 और x2, जब आप A1B1 यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगी B1A1, और यहाँ पर जब आप A2B2 पुट करते हो A2B2 तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी B2A2। अब ये B1 तो इक्वल होने वाला है ना B2 के और A1 इक्वल है A2 के, तो आप कह सकते हो A1B1 इक्वल टू A2B2 है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 1,1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए हमने क्या एज्यूम किया है कि कोई हर एक एलिमेंट्स जो B,A है B क्रॉस A में उसकी प्री इमेज होनी चाहिए A,B, तो हमने मान लिया है B,A है यहाँ पर, ठीक है, वाई एज्यूम करते हैं ना पहले हम, और अब हमने यहाँ पे वाई की जगह पे सिर्फ B,A एज्यूम किया है, तो वो किसके अंदर है B×A के अंदर। तो हर वहां पे अगर ये एज्यूम करते हैं तो हमेशा A×A,B होने वाला है A×B में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि f जो फंक्शन है हमारा ये सेटिस्फाई करता है, और ये सेटिस्फाई करता है तो f हो जाता है आपका ऑन टू, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें फंक्शन हमें दिया गया है n to n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मैपिंग की गई है, और हमारे पास फंक्शन क्या है, अगर n की वैल्यू ओड होती है तो फंक्शन ये है, अगर n की वैल्यू इवन होती है तो फंक्शन ये है, ये x नहीं n है, और सब बताया गया है जो n है वो उस एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स में। तो हम 1,1 के लिए चेक करते हैं, 1,1 के लिए मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए हमने n की जगह पे 1 पुट किया, तो 1 क्या होती है ओड वैल्यू, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, इस वाले फंक्शन में हम 1+1/2 किया तो आंसर हमें 1 मिलता है, मतलब 1 के लिए हमें 1 मिला, एक फंक्शन है यहाँ पर भी देखिए, फिर हमने 2 पुट की और 2 इवन होता है 2/2 1, 2 के लिए भी हमें 1 मिला, तो ये तो मैनी 1 वाला केस हो गया ना, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये 1,1 नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं केस 1 और केस 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इवन और दो ऑप्शन हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन ओड है हमारे पास, हमने ओड नंबर कोई भी मान लिया है 2r-1, आप इसमें वैल्यू r की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपको 2-1 क्या मिलती है 1 मिलती है, और आपने अज्यूम कर लिया fn की वैल्यू y, तो यहाँ पर हमने सिर्फ n की वैल्यू एज्यूम जो की थी वो पुट की है, तो y हमारा जो आता है वो r के इक्वल आता है, ठीक है, और y जो है r के इक्वल है, और यहाँ पर देखो r हमारे पास बिलोंग करता है, मतलब r नेचुरल नंबर ही है, ठीक है, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है r,
अब हमने e1 के लिए देखा है, तो e1 के लिए 2r एज्यूम कर दिया है, और 2r जब हम पुट करते हैं n अपॉन 2 ये भी r आता है, तो हम कह सकते हैं इसको ये ऑन 2 है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू r, व r का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। जब हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो नेचुरल नंबर आता है हमारे पास। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। अब हमें देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 10th है। तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया गया है, एक सेट ए है जो r माइनस 3 है, मतलब उसकी वैल्यू एक्सेप्ट 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें b की वैल्यू क्या दी गई है, r माइनस 1, ये आपकी वैल्यू 3 है और ये 1 है, और आपको फंक्शन दिया गया है जिसकी मैपिंग है a से b तक, ठीक है। और जो फंक्शन है आपके पास fx इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 दिया गया है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इतना है, अब हमें इसको करना है सोल्व। इसको सोल्व कर सकते हैं, 1-1 के लिए इजी है। हम फिर से वही सेम मानते हैं, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू a, यहां पर a से b तक मैपिंग है ना, तो हमने इसको मान लिया है a, ठीक है। x1 x2 किस में है, आपके a के अंदर है, तो हम कह सकते हैं fx1 इज इक्वल्स टू fx2 हो जाएंगे। जब fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है तो वैल्यू पुट कर दो, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस 6 इक्वल टू x2 x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस 6 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करो, ये माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। जब x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है हमारे पास, हम उसको बोलते हैं ये 1-1 है। अभी हम बात करते हैं, हमने 1-1 के लिए चेक किया, अब ऑन 2 के लिए चेक करते हैं। तो ऑन 2 के लिए हमने fx की वैल्यू y के इक्वल अज्यूम की है, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है, और हमें क्या कहा गया है कि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन वो 1 नहीं हो सकती। तो हम यहां पर 1 पुट नहीं कर सकते, अगर हम 1 पुट कर देंगे तो ये नीचे 0 और ये इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए तो अब हम ये चेक करते हैं कि यार क्या कोई भी वैल्यू पुट करते हैं y की एक्सेप्ट 1 तो हमारे पास रियल नंबर ही आता है, बिल्कुल आता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी, सभी वैल्यूज के लिए जो y है और वो बिलोंग करती हैं r माइनस वन, इसलिए क्योंकि r में से 1 आपको एक्सेप्ट हटा दिया गया, इसलिए तो वहां पर हमेशा x की वैल्यू होती है जो हमेशा बिलोंग करती है इसको, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रीड करता हूं आपके लिए, क्वेश्चन है लेट एफ, आपके पास एक क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, मैं बता देता हूं आपको। एक फंक्शन है जो आर टू आर बताया गया है, और एफ एक्स की वैल्यू है आपके लिए एक्स की पावर 4। आपको चेक करना है 1-1 और ऑन 2 के लिए। मैंने एक्स की पावर 2 के लिए क्वेश्चन कराया था आपको, 1-1 के लिए एक्स की पावर 4 के लिए देखते हैं, ये भी सेम ही होने वाला है, इसलिए एक्स की पावर 2 आपको याद दिलाई है। तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं x1 x2 बिलोंग करते हैं r में, तो fx1 को भी हम एज्यूम कर लेते हैं fx2 के इक्वल, हम कह सकते हैं x1 की पावर 4 x2 की पावर 4, और यहां पर x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि रियल नंबर्स में आप जानते हैं यहां पर कि ये प्लस माइनस वैल्यू होती है। तो इसीलिए ये वाली जो वैल्यू है इस रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा, इसीलिए ये 1-1 नहीं है। अब हम चेक करते हैं ऑन 2 के लिए। अब ऑन 2 के लिए चेक कर लो, सिंपल है, आपको पता है माइनस 1 की आप जब पावर 4 करते हो तभी भी 1 आता है, और 1 की पावर 4 करते हो तभी भी आपके पास 1 आता है। तो इसलिए आप कह सकते हो ये क्या है, मैनी 1 है, सिंपल ये तरीका था। अब जब हम यहां पर किसी की पावर भी 4 करते हैं तो हमारे पास सभी पॉजिटिव नंबर्स मिलने वाले हैं, लेकिन यहां पर इस वाले फंक्शन में यहां पर नेगेटिव वैल्यूज भी तो होने वाली हैं, ठीक है। उन नेगेटिव वैल्यूज का तो कोई प्री इमेज नहीं होने वाली, अब जब उनकी प्री इमेज नहीं है तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th क्या कहा गया है वो बता देता हूं। एक फंक्शन है r2r ही बताया गया है, और fx आपको बताया गया है 3x। तो सिंपल है, इसमें बताना है हमें कि क्या ये 1-1 और ऑन 2 आपका होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1-1 के लिए चेक करते हैं, 1-1 के लिए चेक करते हैं, fx1 को fx2 के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं लेट। तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, x1 की वैल्यू x2 है, तो ये आपका 1-1 हो जाएगा, सिंपल है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई बिलोंग करना है आर्क में, और आप क्या करते हो एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हो वाई में। तो यहां पर वाई इज़ इक्वल टू 3x आ जाता है और x की वैल्यू हो जाती है y अपॉन 3। आप y की कोई भी वैल्यू रियल नंबर पुट करते हो तो आपको x मिलने वाला है रियल नंबर, तो इसीलिए ये ऑन टू भी हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।